नहीं, हमारे एक बार माइक आया था ऐसे ही, पता नहीं को जब हमने शुरुआती दिनों में, अरे बैठ जाएंगे कहीं, लोग यहाँ पे एंटरटेन भी कर रहे हैं अपने आप को, फैमिली के साथ आए हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो, सिर्फ बैठे हुए हैं। अरे यहाँ पे दिखाएं यार, फाउंटेन भी लगा है, बड़ा रंग बिरंगा लाइट वाइट लगा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग पे। और आज का जो ब्लॉग है ना, दिव्य काशी भव्य काशी है। आज हम न्यूज़ एंकर की तरह बन गए हैं। बताएं आपको, हम जा रहे थे ना, हमने वहाँ पे जो शिल्प मेला में बैग पसंद किया था वो लेने जा रहे थे, तो हमें रास्ते में दिख गया ये दिव्य काशी भव्य काशी। तो मैंने कहा छोटा सा ब्लॉग तो बनाना बनता ही है, क्योंकि इतना प्यारा जो सजाया गया है। तो आइए चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं। वैसे टॉर्च की तरह काय बना हुआ है यहाँ पे, तीन टॉर्च बनी हुई है, दिख रही है आप लोगों को, ये फुल ऑन टॉर्च। टॉर्च के लिए बड़ा बवाल बचपन में करते थे हम लोग, टॉर्च नाना लेकर रखते थे, घुमा देते थे। आर्यन ने भी अभी यही किया था, नाना ने दो टॉर्च रखी थी, दिखाया अब यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी टॉर्च आई है, दिखाएं आपको अंदर से टॉर्च की तरह लग रहा है, हम क्या कर सकते हैं। में हम है पैर हाथ में दर्द होने लगता भैया, हमें इतना ठंडा लगता है, हम ये स्टाइल के मारे हम ये देखें, हम ये पहन के आए, हमें ठंडी लग रही थी, हम क्या करें अब। अरे पीछे 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 देखते जाओ, आगे पीछे भाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिव्य काशी भव्य काशी, ये टॉर्च बड़ा बढ़िया लगा हुआ है। टॉर्च के अंदर लाइट होता है, यहाँ बाहर लाइट लगी हुई है, तो ये हमारा टॉर्च यहाँ पे लगा हुआ है, तीन तीन तो बना हुआ है। और जो भी कहते हैं भैया, इतना ज्ञान हमारे पास है नहीं, कचर कचर यहाँ जो आगे पीछे पाँ 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 लगा हुआ है, माथा फिरा देते हैं। एक जने बोले, अभी हमने वीडियो बनाया था उसमें बिहारी भोजपुरी में, तो एक जन बोल रहे थे कि मैम बहुत बढ़िया भोजपुरी बोलती हैं, लेकिन सही बताएं तो एक भाषा हमें खुद नहीं समझ में आई कि हम क्या बोले हैं, लेकिन आप लोग को अच्छा लगा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, चलता है चलता है। आइए यहाँ पे दिखाएं, और फाउंटेन भी लगा है, बड़ा रंग बिरंगा लाइट वाइट लगा हुआ है, मन तो कर रहा है थोड़ी देर बैठ जाए यहाँ पे। और अरे वाह, ठंडी है गीले हो जाएंगे, ठंडी के टाइम में पानी से कोई रिस्क नहीं, यहाँ नहीं दिखा दे रहे आपको, यहाँ नहीं दिखा दे रहे, नहीं पास नहीं आएंगे, हमें ठंडी बहुत तेज लगती है भाई। अरे इस फाउंटेन में से फुहारा जो निकल रहा है ना, उसकी ठंडी ठंडी हवा जो है मेरे हाथ पे लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है इससे बहुत तेज। यहाँ लाइट्स बड़ी गजब की लगी हुई है वैसे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसको सजाया गया हुआ है। इस जगह को क्या कहते हैं, लोहरा पीर चौराहा, तो इस जगह को कहते हैं लोहरा, हमको खुद ही पूछना पड़ता है, भूल जाते हैं बार बार कि भैया जगह कौन सी थी। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है करिएगा यार, और ही वीडियो जाके देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं वीडियो आप लोग, तो ऐसे ही ले लेते हैं हमें लाइक वही करा करिए ऐसे न क्या करिए पता नहीं जो भी था यहाँ, ये दिखाओ ये दिखाओ ये देखिए आप। अरे ये पेड़ को क्यों ऐसे मुरझाया, इस पर भी थोड़ा राउंड राउंड लाइट वाइट लगा देते यार, वहाँ से चांद देखो कितना प्यारा लग रहा है, ओ प्यारा लग रहा है एकदम पेड़ के उसमें से निकल के। और यही चांद करवा चौथ में निकलने से जाता है, निकलता ही नहीं है, परेशान हो जाते हैं हम लोग, तैयार व्यार होकर मेकअप जड़ जाता है, लेकिन लेकिन ये नहीं उतरते हैं, निकलते हैं सॉरी, उतरते क्या, उतरेंगे तो डर के हम लोग खुद ही भाग जाएंगे, नासा वासा सबसे खबर आ जाएगी। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे देख रहे हैं कितना सुंदर फाउंटेन लगा हुआ है, अब पास में जाएंगे, बहुत तेज फुहारा पड़ रहा है यार। आइए और भी चीज़ें दिखाते हैं, पूरे बढ़िया सजाया गया हुआ, लोग यहाँ पे एंटरटेन भी कर रहे हैं अपने आप को, फैमिली के साथ आए हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो, सिर्फ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं लोहरा बीच चौराहा, यहाँ पे यार मिठाई की दुकान वकान भी यहाँ बहुत बढ़िया मिलती है, और वहाँ पे आज पूरा लोहरा बीच सजाया गया है, काहे के लिए भाई, एक हफ्ता हो गया अब उस दिन, कितने तीन चार दिन पहले गए थे हम, हाँ तब भी सजा था, आज भी सजाए, क्यों सजाए, आइए गार्ड भैया पूछते हैं, आइए गार्ड भैया बड़े स्टाइल में चल में बोले बोलेंगे, जवाब आप देंगे कि नहीं, सेलिब्रिटी हैं भाई। लेकिन एक बात और, सफाई मोदी जी करवा रहे हैं, इतना सब कुछ लगवा दे रहे हैं, हम लोग भी की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं भैया, वो लोगन हाँ जो भी होता है, हम लोग की भी कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं, हम लोग की भी जिम्मेदारी होती है साफ़ सफाई रखना, लेकिन नहीं हम लोग खाएंगे और ये फेंकेंगे, हमारा आर्यन का भी यही हरकत है, हम तो डांटते रहते बेटा डस्टबिन किसी आ जाता है कभी, मम्मा डस्टबिन क्या है, ठीक है रोड है फेंक दो, रोड है मतलब क्या, अपने घर में ही फेंक दो फिर, और जब अरे नगर निगम को सब महीने खड़े लग रहे साफ़ सफाई करते हैं यहाँ पे, अच्छे से रखते हैं वो व्यवस्था बनाए रखते हैं, तो आइए उन लोगों से मिल लिया जाए,
भाग लेंगे आप। तो क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। फुहारा वगैरह क्या नाम है आपका? कपिल मुनि। कपिल, अरे वाह, कपिल जी से आप लोग मिल रहे हैं, जो कि यहाँ भी साफ सफाई सुरक्षा से लेकर सारी चीज़ें इनकी जिम्मेदारी है, यही देखते रहते हैं। तो भैया अपना आशीर्वाद इन पर ही बनाए रखिएगा और यहाँ पे आइएगा, इनसे मिलिए उलिएगा थोड़ा सा, है ना। देख रहे हैं ये लाइट वाइट की जो व्यवस्था है, जितनी भी आप सफाई, और देखिए ये आप सफाई करते हैं लेकिन लोग नहीं सफाई करते हैं, है ना, गलत बात है ना। आप जरा समझाइए समझाइए, स्माइल देखिए, क्या स्माइल, एकदम प्यारी सी, एकदम वो क्या कहते हैं, ललन टॉप वाली स्माइल है, ललन टॉप वाली स्माइल है। कपिल जी की स्माइल भी ललन टॉप थी और कपिल जी ने बहुत अच्छे से इस जगह को रखा हुआ है। तो आई होप आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही धासुदार लगा होगा हमारी तरह, हम तो हैं ही फंटास्टिक। अच्छा इनको ही जाना है, आप कौन है? अरे बाप रे बाप, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आइए इनसे मिलना तो बनता ही है, आइए हमारे देश की धरोहर से आपको मिलाते हैं। जय हिंद जय भारत। आइए यहाँ पे आपको हम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के जी से मिलाते हैं, यहाँ पे देखिए, वाह, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। हमारे भोले की नगरी में आजाद सिंह, चंद्रशेखर आजाद सिंह, है ना, नहीं नाम है ना, उनसे आपको हमने मिलवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। डर लग रहा है हमको, चलो नहीं, हमारे एक बार माइक आया था ऐसे ही, पता नहीं को जब हमने शुरुआती दिनों में, अरे बैठ जाए कहीं, बहुत गंदा है यहाँ पर। अब आए हैं तो थोड़ा मज़ा वजा ले ही लें, आते जाते लोगों को देख ही लें, गाड़ी वाड़ी हमें देखना बहुत पसंद है, बहुत जल्द भगवान की कृपा हो तो हमऊँ गाड़ी वाड़ी ले लें हमऊँ। अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, बनारसी सीख रहे हैं इसे, अब हमऊँ मऊँ बोल रहे हैं थोड़ा, तभी ना आएगा बोलने। तो यहाँ पे हम सोच बैठ के देख रहे हैं थोड़ा, लेकिन हमें टोटम बड़ा मस्त लगा था, एक बार हम टोटम बैठे थे, वो वीडियो देखिए बड़ा मज़ा आएगा आपको। यहाँ पे आपको हमने सबसे मिला दिया, आप क्या मिलाना है, सब हो गया। आई होप आपका ब्लॉग जो है आपको बहुत पसंद है। हाँ ये वाले माइक की बात कर रहे थे हम, इसकी बात कर रहे थे, ये जो ये आप देख रहे हैं इधर टॉर्च की तरह, इसी तरह हमारे एक बार माइक आया था रेड रंग का, और वो हम सोचे कि टॉर्च है, वो काफ़ी देर तक हम उसको लेकर परेशान थे, फिर बाद में चले वो माइक है, टॉर्च नहीं है। माइक जो हमने स्कूल में यूज़ किया था अपने, जहाँ हम पढ़ाते थे, वो माइक दूसरे तरह का होता था, और जो माइक हम खरीद के लेकर आए थे वो अलग ही तरह का था। हमने कहा यार ये टॉर्च और जो लग रहा है लाइट वाइट लेगा, लाइट तो थी उसमें, लेकिन लाइट थी लेकिन वो टॉर्च नहीं था, वो था माइक। तो बस यार अब इतना बोल बोल के मुँह थक गया, चलो बाय बाय। लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा मत मुझे, इतना मेहनत करें, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाय।